आज भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर आज हम लोगों ने आया अमर शहीद जुब्बा सैनी के शहादत दिवस के अवसर पर आज हम लोग उत्तर झारखंड में पार्टी का लॉन्चिंग हमने किया है। अब मजबूती से जिस तरीके से बिहार में जमीन पर उतर के संघर्ष करके लड़ाई लड़कर सत्ता में हम लोग काबिज हुए हैं, अपने समाज के हक अधिकार दिला रहे हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी मजबूती से हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और उसके बाद आज झारखंड में आए हैं। मजबूती से संगठन पे हम लोग काम करेंगे, पूरे जिला में कमेटी बनाएंगे, प्रदेश कमेटी बनाएंगे, बूथ स्तर तक कमेटी बनेगा। मजबूती से अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, झारखंड के मुद्दा के लिए लड़ाई लड़ेंगे और अपने समाज को आरक्षण दिलाना हमारा मुख्य लक्ष्य है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले इस देश में, क्योंकि बंगाल में निषाद को सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है लेकिन यूपी बिहार झारखंड में नहीं मिल रहा, यहाँ पे भी निषाद के कुछ उपजाति को मिल रहा है और बाकी विशेष जाति उपजाति को नहीं मिल रहा। तो ये हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, संविधान हमारा एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। और इसके लिए पॉलिटिकल विल पावर मजबूत करने के लिए हम तीन राज्य में लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले 2024 में मजबूती से यूपी बिहार झारखंड में 134 लोकसभा सीट है उसको हम लोग तैयारी करेंगे, मजबूती से अपने दम पर अकेले लड़ेंगे, अपनी ताकत का एहसास कराएंगे कि जो लोग हमारे अधिकार नहीं दे रहे हैं या जो लोग हमारे अपने वोट को अपना जागीर समझ रहे हैं ऐसे लोगों को हम लोग आने वाले समय में बताएंगे और कहीं ना कहीं चुनाव हराएंगे, तब वो समझेंगे कि निषाद समाज जागरूक हो चुका है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना जारी है और वो हमारे आने वाले समय में मुझे पूरा उम्मीद है कि निषाद समाज को सम्मान मिलेगा, उनको आरक्षण मिलेगा। इसी लड़ाई लड़ने के लिए मैं आज बिहार से झारखंड में पहुंचा हूं और पार्टी मजबूती से खड़ा होगा। आज आपने देखा होगा कि आज पहले दिन हमने लॉन्चिंग जिस तरीके से किया, आज किस तरीके से हज़ारों की संख्या में हमारे समाज के लोग मजबूती से एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक अगुवाई किए, भव्य तरीके से स्वागत किए, तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से ताकत आपको आज रांची में देखने के लिए मिला उसी तरीके से ताकत आपको पूरे झारखंड में हर डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलेगा आने वाले समय में। मंत्री जी, जैसा उत्तर प्रदेश में जब आपने पार्टी को लॉन्च किया तो वहाँ पर आपने एक नारा दिया आरक्षण नहीं तो गठबंधन, नहीं गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, तो झारखंड के लिए क्या? निश्चित तौर पे हमने जो वहाँ पे वादा किया था वहाँ के निषाद भाई से, उस वादे पे हमने उतरा और आपने देखा होगा कि अकेले दम पर हमने 102 जगह प्रत्याशी उतारा, जिसमें से वहाँ के सरकार के तरफ से चुनाव आयोग के सहयोग से हमारे 48 प्रत्याशियों नामांकन रद्द कर दिया, उसके बावजूद भी 54 जगह मजबूती से हम लड़े और अकेले लड़े और अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी, झारखंड में भी हम आए हैं, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, बिहार में भी लड़ेंगे, जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम किसी से समझौता करने की कोई बात नहीं करेंगे, जरूरी पड़ा तो अकेले अपने दम पर लड़ेंगे और अधिकार हमें आरक्षण दे दे तो फिर हम समझेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमें आरक्षण दिया तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि उनकी फिर से देश में सरकार बने 2024 में। अगर देश में फिर उनकी सरकार अभी है और हमारा काम ही नहीं हो सकता तो हम ऐसे सरकार से हमें क्या फ़ायदा है, जब निषाद का हक अधिकार ही नहीं पूरा हो सके तो हम तो चाहेंगे कि ऐसी सरकार बदले और बदलने के बाद दूसरा सरकार आएंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि वो सरकार पूरा करे। अगर ये सरकार अभी प्रेजेंट में जो देश में राज कर रहे हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं, मजबूती से हम उम्मीद करते हैं कि वो करेंगे, क्योंकि कई बार हमसे वादा भी किए हैं कि हम समय रहते हुए आपके समाज को आरक्षण करेंगे, लागू करेंगे, तो मैं आज उम्मीद से चल रहा हूं लेकिन मुझे लगता है कि अपनी भी तैयारी रहना चाहिए। लेकिन देखिए, आप बिहार में सत्ता में हैं लेकिन आपने जो संबोधित किया मंच से उसमें कहीं ना कहीं तल्खी दिखी, आप 74 का बोले कि जो 74 लेकर आए हैं वो भी मेरे बराबर में है। निश्चित तौर पर देखिए, राजनीति में चुनाव में तो आपने देखा कि आपके नंबर के ऊपर सरकार होता है और हमारे पास जो ताकत है उसी सहयोग से बिहार में सरकार है और मजबूती से सरकार आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है और हम कंफर्टेबल होकर सरकार चला रहे हैं और हमारे समाज का, हमारी पार्टी का सारे चीज़ हम लोग पूरा कर रहे हैं। और ये बात सत्य है कि अगर 4 वाला समर्थन नहीं देते तो भी सरकार नहीं बनता या 74 नहीं देते तो भी सरकार नहीं बनता, तो वो सरकार आज कह सकते हैं कि VIP पार्टी की सरकार है, 4 पार्टी की सरकार है, किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है। झारखंड में भी बाहरी भीतरी का मुद्दा बहुत है, ऐसा मान लोग कहते हैं कि बिहार से लोग आके अपनी नौकरी छीन ले रहे हैं, भाषा का अतिक्रमण हो रहा है, तो कैसे आप लोग को समर्थन मिलेगा बिहार से आए? नहीं देखिए, ये सारे स्थानीय मुद्दा तो जरूर निश्चित तौर पे ऐसे मुद्दा हमें देखने के लिए भी मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा है और इस पे सरकार गंभीर हो अपने लोगों को काम देने के लिए, रोजगार देने के लिए। दिल्ली के सरकार को भी देखना है कि पूरे देश में किस तरीके से रोजगार दिया जाए और हर राज्य को अपने अपने लोगों को रोजगार देने के लिए सोचना चाहिए। और निश्चित तौर पे किसी के अधिकार में दूसरे लोग जाएंगे तो निश्चित तौर पे उन लोगों को तकलीफ़ होगा, जैसे आज हमें तकलीफ हो रहा कि इस देश में संविधान एक रहते हुए हमें निषाद को आरक्षण मिल रहा है लेकिन हमें कहीं पे राज्य में नहीं मिल रहा है,
तो हमें लगता है कि हमारा अधिकार छीना जा रहा है। तो जिस तरीके से हम संघर्ष कर रहे हैं, उस तरीके से और भी लोग अगर संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए, तो मैं इस बात को बुरा नहीं मानूंगा कि लोग को अपना अधिकार के लिए संघर्ष करना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि 5 किलो अनाज दे करके प्रधानमंत्री जिस तरह से बोलते हैं भीख मांगा बना दिए। नहीं देखिए, देश में विकास सिर्फ 5 किलो चावल से नहीं है। देश में विकास होगा जब हमारा बच्चा पढ़ लिख कर काबिल होगा, उसको नौकरी मिल जाएगा। तो हमारी लड़ाई है कि देश में गरीब समाज के लोगों को आज कहीं ना कहीं देश में लोगों को गुमराह किया जाता है कि देखो हम तुमको चावल दे रहे हैं इसलिए तुम हमको वोट दो। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेकर गरीब समाज के, पिछड़े समाज के लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि ये देश का चावल जो है वो आपका अधिकार है। रोड अगर बनाना है, स्कूल बनाना, ये सब आपके अधिकार है। लोग ये करना चाहिए, जो भी सरकार में आएंगे, चाहे देश में प्रधानमंत्री जो भी हो, उनका कर्तव्य है कि ये सब जाति धर्म के लिए, हर गरीब के लिए काम करे। लेकिन कोई काम करके और फिर वो अगर एहसान जताते तो मुझे लगता है कि वो गलत है। और इसके लिए हम लोगों को देश में लोगों को जागरूक करना है, पिछड़े गरीब समाज को, दलित समाज को। चुनाव लड़ने की तैयारी है? जी हाँ, निश्चित तौर पर 2024 में पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से हम लोग बिहार में लड़ रहे हैं उसी तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे, और मजबूती से पहले तो हम लोग संगठन को खड़ा करेंगे। 2 साल का समय है। सोशल मीडिया से एक सवाल सामने आता है, जैसा आप खुल के करेंगे वोट काटने के लिए लड़ेंगे, पहले तो अपनी ताकत गाएंगे। लोग लड़ाई लड़ते हैं हम पे राज करने के लिए, और हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने वजूद का, अपने लोगों का हक अधिकार के लिए। और लोग को लगता है कि निषाद का वोट जागीर है हमारा, चुनाव का समय में 5 किलो चावल देंगे ये वोट हमें मिल जाएगा। तो हम अपने लोगों को जागरूक करेंगे और मजबूती से अपने वोट को अपनी ताकत में बदलेंगे। हमारा मानना है कि लोगों को 3 बार चुनाव लड़ना चाहिए, 1 बार चुनाव सीखने के लिए, समझने के लिए, 2री बार हराने के लिए और 3री बार जीतने के लिए। तो हम लोग अभी वो जगह पे आ गए हैं कि चुनाव हराएंगे और उसके बाद अपन लड़ेंगे कि चुनाव जीतने के लिए। तो ये हमारा थ्योरी है। और एक आखिरी सवाल है, बाद में एक सवाल कल भी है ना।